एक जवान व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसी बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन एकदम यस्त व्यस्त हो रखा था। वह अपनी समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था, बस फालतू के कामों में यूं ही पूरा दिन बर्बाद कर देता। किसी के भी पास बैठ जाता और लंबी लंबी गप्पे मार कर अपना और दूसरों का भी समय बर्बाद करता, जिससे लोगों की नज़रों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर भी था। जब भी उसके घर वाले उसे किसी काम के लिए कहते तो वह बहाना बनाकर उस काम से बचने की कोशिश करता, और अगर उसे किसी कारणवश उसे यदि काम करना पड़ता तो वह बिना मन के जल्दबाजी में उस काम को करता। और जब घर वाले उसे कुछ समझाते या कुछ कहते तो वह बिना गलती माने उनसे बहस करता। वो हमेशा ही महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को कल पर टाल देता और हर तरह की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता। उसे लगता, अगर मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं पूरे दिन घर में आराम से पड़ा रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूंगा और खाली रहूंगा तो शायद खुशी मिलेगी, अगर मैं सुबह देर तक सोता रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। उसने ये सब करके देख लिया। उसे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलती, लेकिन फिर उसे पश्चाताप होने लगता। वह अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगता। उसका मन अशांत और उद्विग्न हो जाता। धीरे धीरे वह युवक भी अब ये समझने लगा था। उसकी आदतें ही समस्याओं की जड़ हैं। वो समझने लगा था काम को टालने और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन अंत में मुझे आत्मग्लानी और दुखी होगा। उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ गया, और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह पूरी योजना के साथ खुद की आदतों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों में ही अपनी पुरानी वाली आदतों में वापस फिर से लौट आता। अब तो वह भी हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसे आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसका जीवन तो बर्बाद है। अब उसे ऐसे ही आलसपूर्ण और निराश जीवन जीना होगा। यही सोच सोच कर वह बहुत उदास और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन किसी गांव वाले ने बताया, गांव के बाहर वाले जंगल के नीचे आत्मज्ञानी बहुत बिच्छू अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं, तुम उनसे मिलो, उन्होंने बहुतों की समस्याओं को समाधान किया है, वो तुम्हारी समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल देंगे। हालांकि उस युवक को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वह फिर भी अगले दिन उन बहुत बिच्छू की कुटिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर बने एक चबूतरे पर बहुत बिच्छू अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान में लीन थे। युवक ने उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो बहुत बिच्छू ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। युवक ने अपनी सारी समस्या बिच्छू को बताई कि कैसे वह अपनी आदतें बदलना चाहता है, लेकिन वह बार बार असफल रहा। बिच्छू ने बिना कुछ बोले पूरी शांति से युवक की बात अंत तक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार प्रयास किया लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो। तुम कुछ दिनों में ही सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और जैसे ही शुरुआती कुछ दिनों में तुम्हें तुम्हारी मर्जी के परिणाम नहीं मिलते, तुम फिर से पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी हैं वो सिर्फ कुछ ही दिनों में नहीं छूट सकती, उसके लिए तुम्हें समय देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखो, बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर बहुत बिच्छू ने गंभीर होकर बोला, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुमने अगर अपना लिया तो तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें तो छूट ही जाएंगी, साथ ही ये 5 आदतें तुम्हारी जिंदगी को
चमत्कारिक रूप से बदल के रख देंगी। युवक ने बड़ी उत्साह के साथ भिक्षु से उन 5 आदतों के बारे में बताने के लिए कहा। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, किताबें पढ़ना। दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किताबों में छुपे हुए हैं, क्योंकि आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, आज से पहले बहुत से लोगों के मन में भी वही प्रश्न उठ चुके हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर खोजे और इनमें से कुछ लोगों ने किताबों में लिपिबद्ध कर दिया। तो तुम उस पूरे प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़कर अपनी प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो और उन्हें खुद के लिए प्रयोग कर सकते हो। किसी किताब में तुम्हें एक इंसान अपने जीवन का पूरा निचोड़ दे देता है, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। और इसके साथ ही किताबें पढ़ने से तुम नई नई चीज़ें सीख पाओगे, खुद की कमियां जान पाओगे, तुम्हारे मन में नए और सकारात्मक विचार का जन्म होगा, जो तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें ज़रूर पढ़ता है, इसलिए अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालो। ये आदत तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लाएंगी। वह भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत, लिखना। लिखना अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं, तो हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लिखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम लिखने बैठते हैं, तो हमारा मन भटकना बंद हो जाता है और विषय पर केंद्रित होने लगता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हर समय कई सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से हमारे मन के वो विचार पक्के हो जाते हैं। भिक्षु ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा कर उन्हें याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि नए विचारों को पैदा करने के लिए है। और जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं, तो हमारा दिमाग नए नए विचार पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हमें हर रोज कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं, तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है या उसे हम भूल जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभव को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर हमें वो विचार दोबारा याद आए। ये जरूरी नहीं, भिक्षु ने कहा, तीसरी आदत, रोज ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान वो माध्यम है जो तुम्हारी हर तरह की मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। जिंदगी का ज्यादातर समस्या का कारण लोगों का अतीत या भविष्य के विचारों में खोए रहना है, और ध्यान इसी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर देता है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ला खड़ा कर देता है, जिससे तुम खुद के सच्चे स्वरूप को महसूस कर पाते हो। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन अस्थायी रूप से भटकना बंद कर देता है। मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे हमारे मन में फालतू के विचार आने बंद हो जाते हैं और हम अपने काम में ज़्यादा देर तक ध्यान दे पाते हैं, जिससे हमारी सफलता की समस्या कई गुना तक बढ़ जाती है। साथ ही ध्यान करने से हमारा शरीर और मन तनाव मुक्त रहते हैं और हम अंदर से आनंदित महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। भिक्षु ने कहा, चौथी आदत, जो पूरी तरीके से तुम्हारे जिंदगी को बदल कर रख सकती है, शुक्र अदा करने की आदत। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, शुक्र अदा करना शुरू कर दो। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं है उससे हटाकर हमारे पास क्या है उस पर लेकर आए, तो हमारी पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कभी ये मत सोचो, जब हम कुछ बड़ा हासिल कर लूंगा तब खुश हो जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, बल्कि जो आज तुम्हारे पास है, आज जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं, उनमें खुशी ढूंढो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ वातावरण है, तुम इसके लिए भी आभारी रह सकते हो।
क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों को यह भी नसीब नहीं है। और खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती, खुशी इससे नहीं मिलती कि हमने क्या खरीद लिया, क्या ले लिया, क्या बन गए, बल्कि हमें खुशी तब मिलती है जब हमें अंदर से यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ गायब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और जब हम उस पर ध्यान देते हैं और आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। बिच्छू ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, 5 आदतों में कोई एक आदत जो मैं कहूँगा कि तुम्हें जरूर अपनानी चाहिए वो है आभार व्यक्त करने की आदत, क्योंकि यही वो आदत है जो तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज़्यादा सकारात्मक तरीके से बदल कर रख सकती है। बिच्छू ने कहा, 5वीं आदत, जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो कि तुम्हें वो चीज़ मिल गई है, फिर तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को उस सफलता और उस चीज को जिसे तुम पाना चाहते हो उसे हासिल करता हुआ देखो और महसूस करो। हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिन चीज़ों के ये सपने देखता है, ये उन चीज़ों को पाने की कोशिश शुरू कर देता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ध्यान रखो, कोई भी सेनापति मैदान में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीत चुका होता है। इसी प्रकार सफलता हासिल करने से पहले हमें उस सफलता को कई बार अपनी मन में घटित करवाना होता है। इसलिए जो भी बनना है या पाना चाहते हो उसके बारे में अपने मन में पूरे विश्वास के साथ सोचना और महसूस करना शुरू कर दो। अगर तुमने इन 5 आदतों को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगी। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। वह युवक भिक्षुक के बातों का अर्थ समझ चुका था। उसने भिक्षुक के ही सामने इन 5 आदतों को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाने का वचन लिया और भिक्षुक का धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इन 5 आदतों को आप भी अपने जिंदगी का हिस्सा बना लें और सफल हो जाएं। धन्यवाद।